Subscribe to my channel, Pocket FM Audio. दर्श होश में आओ दर्श, दर्श, आरुषि ने चिल्लाते हुए कहा। दर्श अब भी बेहोश पड़ा हुआ था। दर्श की शक्ति उसी पर हावी हो चुकी थी और जिस प्रकार की शक्ति का उपयोग उसने किया था उससे मौत भी हो सकती थी। आरुषि ने दर्श को उठाने की बहुत कोशिश की पर दर्श नहीं उठा। दर्श को काफी चोट लगी थी और फिर घाव भी नहीं भरे थे। आखिर दर्श को क्या हुआ था? क्यों दर्श अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था? ऐसे में आरुषि तुरंत दर्श को लेकर हजार हड्डियों के मकबरे में पहुंचती है। दर्श को बेहोश देखकर सब हैरान रह गए थे। ये बात साफ थी कि दर्श एक ब्लू रोव वर्ल्ड स्पिरिटिस बन गया था। दर्श को ब्लू रोव वर्ल्ड स्पिरिटिस बनते हुए सिर्फ आरुषि और शिवहरी ने देखा था और फिलहाल आरुषि नहीं चाहती थी कि दर्श की शक्ति का ये राज किसी को पता चले। आरुषि जानती थी अगर दर्श की नई शक्ति का किसी को भी अंदाजा हुआ या पता लगा तो ईस्टर्न सी के लोग दर्श को अपने साथ ले जाएंगे। ईस्टर्न सी जो बहुत ही खतरनाक दल है जिनका काम है सारी मजबूत शक्तियों को इकट्ठा करना ताकि ईस्टर्न सी का दल उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर सके। आरुषि दर्श को किसी और नई मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। पहले ही दर्श ने आरुषि को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। आरुषि अब सिर्फ दर्श के साथ रहना चाहती थी लेकिन दर्श अभी भी बेहोश था। ऐसे में आरुषि ने शिवहरी से पूछा, आखिर दर्श कब तक ठीक होगा? शिवहरी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवहरी शंका भरी नजरों से दर्श को देख रहा था। शिवहरी ने आरुषि से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये शक्ति दर्श के पास कैसे आई? आरुषि शिवहरी को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी इसलिए उसने जोर देते हुए शिवहरी से कहा, शिवहरी गलती से भी दर्श की नई शक्ति के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शिवहरी ने कहा, ठीक है। फिर भी आरुषि को शिवहरी पर शक था। कहीं शिवहरी ने ईस्टर्न सी को अब तक सारा सच बता तो नहीं दिया होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आरुषि के मन के विचार बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी आरुषि के दिमाग में एक बार शिवहरी को मारने का ख्याल भी आया लेकिन बिना अपनी शक्तियों के आरुषि कुछ नहीं कर सकती थी। शिवहरी से मुकाबला करना भी कोई आम बात नहीं थी इसलिए वो चाहकर भी शिवहरी को नहीं मार सकती थी लेकिन वो किसी भी हाल में दर्श की सुरक्षा करना चाहती थी। वक्त निकलता जा रहा था पर दर्श अभी भी बेहोश था। आखिर दर्श क्यों नहीं उठ पा रहा था? आखिर क्या हुआ था दर्श को? तभी दर्श नींद में एकदम से चिल्लाने लगा। ये सुनकर आरुषि उसके करीब आई। दर्श, क्या हुआ? दर्श, दर्श अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ? लेकिन दर्श बस बेहोशी की हालत में आरुषि का नाम लिए जा रहा था। क्या दर्श कोई डरावना सपना देख रहा था? दर्श पसीने से लथपथ था। ईशा और देवी भी उसके लिए चिंतित हो गई थी। सब हैरान रह गए थे। दर्श की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसका शरीर कांपने लगा था। आखिर क्यों? शिवहरी ने कहा, एक मिनट, कहीं दर्श पर परम के पिताजी के घोष तकनीक का असर तो नहीं हुआ? ऐसा हुआ तो दर्श को ही उस ताकत से लड़ना पड़ेगा। आरुषि ने पूछा, घोष्ट तकनीक? शिवहरी ने कहा, हाँ, घोष्ट तकनीक। आरुषि, जब तुम बेहोश थी तब परम के पिताजी ने दर्श पर घोष्ट तकनीक से हमला किया था। उस समय तो दर्श पर घोष्ट तकनीक का असर नहीं हुआ था लेकिन ये हो सकता है कि उस घोष्ट तकनीक का असर अब जाकर दर्श पर हुआ है इसलिए दर्श बेहोशी की हालत में भी चिल्ला रहा है। ये परम के पिताजी का वार था। घोष तकनीक एक ऐसी तकनीक है जहां दर्श को अपने आप अपनी शक्ति के सामने मुकाबला करना था। क्या दर्श अपने खुद की शक्तियों से लड़ पाएगा? लेकिन शिवहरी की कही बात सच साबित हुई। दर्श बेहोशी में भी एक नाजुक मानसिक स्थिति के साथ अपनी ही शक्ति का सामना कर रहा था। इसमें दर्श की मदद चाहकर भी कोई नहीं कर सकता था। दर्श को खुद ही यह लड़ाई लड़नी थी और जीतनी भी थी। इस लड़ाई के साथ ही दर्श का शरीर अंगारे से भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। दर्श का शरीर पूरी तरह से तप चुका था। ऐसे में आरुषि से दर्श की हालत देखी नहीं जा रही थी। आरुषि जानती थी कि दर्श को इस मुसीबत से बस एक इंसान बचा सकता था, प्रिंसेस यामिनी। प्रिंसेस यामिनी ने दर्श को एक बार कहा था, जब भी तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आए तुम बेझिझक मुझे याद कर लेना। इसलिए आरुषि तुरंत प्रिंसेस यामिनी की खोज में निकल जाती है। दर्श ने प्रिंसेस यामिनी के भाई शिखर को राक्षसी पहाड़ पर बचाया था और प्रिंसेस यामिनी ने ही दर्श को ढेर सारी जादुई दवाई भी दी थी। ऐसे में प्रिंसेस यामिनी हमेशा से दर्श की शुक्रगुजार रही थी और वो दर्श के लिए कुछ भी करने को तैयार थी।
पर सवाल ये था कि क्या आरुषि प्रिंसेस यामिनी को ढूंढ पाएगी, क्या प्रिंसेस यामिनी आरुषि की बात पर विश्वास करेगी। ऐसे में दर्श और भी गंभीर होता जा रहा था। दर्श का मुकाबला अब खुद से था। यूं देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। दर्श अभी भी परम के पिताजी के वार से नहीं उभर पाया था और अब भी बेहोशी की हालत में अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा था। दर्श की हालत अभी भी वैसी की वैसी ही थी। आखिर कब तक दर्श ठीक होगा, कितने महीने और, ये कोई नहीं जानता था। क्या दर्श फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? सवाल कई थे पर जवाब एक भी नहीं। दर्श के शरीर पर ना तो किसी प्रकार की जादुई दवाई असर कर रही थी और ना ही किसी प्रकार का जादू। दर्श बस नींद में एक ही नाम चीखता जा रहा था, आरुषि। वहीं दर्श के घाव भरने के बजाय और बढ़ते जा रहे थे। ईशा और देवी को दिन भर दर्श के मुंह से निकलती हुई आरुषि के नाम की चीखें सुनाई दे रही थी। ईशा और देवी भी दर्श को यूं तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी, लेकिन उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। वहीं दर्श पर उसी की शक्ति और भी हावी होती जा रही थी। आरुषि भी अब तक वापस लौटी नहीं थी, पर आरुषि के पास अब वक्त बहुत कम था। आरुषि ने ठान लिया था कि जब तक वो प्रिंसेस यामिनी से नहीं मिल जाती, वो वापस नहीं लौटेगी। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था और आखिरकार एक दिन आरुषि प्रिंसेस यामिनी को ढूंढने में कामयाब हो गई। आरुषि ने प्रिंसेस यामिनी को दर्श के बारे में सब कुछ बताया। प्रिंसेस यामिनी ने बिना वक्त गवाए आरुषि के साथ 1000 हड्डियों के मकबरे में आने का फैसला किया। इधर दर्श रोज की तरह ही चीखता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था। दर्श आरुषि के नाम की रट लगाए बैठा था। उसके पास लौटते ही आरुषि ने तुरंत दर्श को शांत किया। प्रिंसेस यामिनी भी दर्श की हालत देखकर चौंक गई थी। प्रिंसेस यामिनी ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके दर्श के दिमाग में प्रवेश किया। प्रिंसेस यामिनी दर्श के दिमाग में जाते ही दंग रह गई। प्रिंसेस यामिनी ने देखा कि दर्श जंजीरों से बंधा हुआ था। दर्श को टॉर्चर किया जा रहा था। दर्श को टॉर्चर करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। दर्श आग में जल रहा था। दर्श लड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो हर बार नाकामयाब होता जा रहा था। क्या प्रिंसेस यामिनी दर्श को इस मायावी जाल से बचा पाएगी? ऐसे में प्रिंसेस यामिनी ने तुरंत अपना एक आकर्षण बनाया। प्रिंसेस यामिनी ने उस आकर्षण को दर्श की ओर फेंका और उस आकर्षण ने दर्श के आसपास मौजूद आग को खत्म कर दिया। अपने दिमाग के अंदर भी दर्श के पास अपने आप से लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। इस मुश्किल घड़ी में प्रिंसेस यामिनी ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया। तब प्रिंसेस यामिनी ने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। प्रिंसेस यामिनी जान गई थी कि दर्श अब ब्लू रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस बन चुका है। वो चौंक गई, लेकिन उन्होंने इस बात को राज ही रखा। प्रिंसेस यामिनी ने फिर परम के पिताजी का वार यानी कि घोष तकनीक को अपनी शक्तियों से खत्म कर दिया। ऐसा करते ही प्रिंसेस यामिनी असल जिंदगी में वापस आ गई थी। ऐसे में आरुषि प्रिंसेस यामिनी को देखकर घबरा गई। वहीं दर्श अब पहले से काफी बेहतर था पर वो अब भी बेहोश था। प्रिंसेस यामिनी ने आरुषि से कहा, दर्श को आराम करने की सख्त जरूरत है। आरुषि ने हां में अपना सिर हिलाया। आरुषि इस बात से अनजान थी कि अब प्रिंसेस यामिनी को भी दर्श की नई ताकत का पता चल गया है। क्या प्रिंसेस यामिनी दर्श के इस राज को राज रख पाएगी या नहीं? क्या प्रिंसेस यामिनी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? सबकी नजरें अब दर्श पर थी। उन्हें इंतजार था तो बस दर्श के उठने का। ऐसे में आरुषि उठकर दूर जाने लगी थी। तभी दर्श ने आरुषि का नाम फुसफुसाया। आरुषि तुरंत दर्श के पास जाकर बैठ गई। तभी आरुषि की नजर शिवहरि पर पड़ी। शिवहरि अचानक से गायब हो गया था। आरुषि शिवहरि को ढूंढने जैसे ही उठी, दर्श ने आरुषि का हाथ पकड़ लिया। दर्श अभी भी बहुत कमजोर था और वक्त बीतता जा रहा था। यही 2 महीने और बीत गए। 2 महीने से शिवहरि का कोई अता पता नहीं था और दर्श अभी भी होश ही रहता था। लेकिन दर्श के घाव भर गए थे। ऐसा लग रहा था कि दर्श कभी भी उठ सकता है, क्योंकि प्रिंसेस यामिनी ने परम के पिताजी के घोष तकनीक को बेअसर जो कर दिया था। एक दिन आरुषि दर्श के पास जाकर बैठी थी। तभी दर्श अचानक से आरुषि का नाम चिल्लाते हुए खड़ा हुआ। दर्श का सिर दर्द से फटा जा रहा था। आरुषि ने कहा, दर्श आराम करो, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। दर्श को होश में देख ईशा और देवी और आरुषि तीनों के ही जान में जान आई और वो खुश हो गए थे। ऐसे में दर्श ने पूछा, मैं कहाँ हूं? आरुषि ने कहा, तुम 1000 हड्डियों के मकबरे में हो दर्श। दर्श ने कहा, क्या तो वो तलवार घाटी स्कूल, वहां क्या हुआ और मैं यहां कैसे पहुंचा? आरुषि ने कहा,
मैं और शिव हरी तुम्हें यहाँ हजार हड्डियों के मकबरे में ले आए। दर्श तुम आराम करो, तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। दर्श वाकई में काफी कमजोर लग रहा था, पर दर्श ने कहा, आखिर मेरे साथ क्या हुआ था आरुषि? आरुषि ने हैरानी से पूछा, दर्श क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? दर्श का सिर दर्द से फटा जा रहा था। दर्श ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं गुस्से से पागल हो गया था और तलवार घाटी स्कूल में आग लग गई थी। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। क्या हुआ था बताओ मुझे आरुषि। आरुषि दर्श को फिर से जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर लिया था। इसका मतलब था कि दर्श इस बात से अनजान था कि वो ब्लू रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस बन चुका था। क्या आरुषि दर्श को उसकी नई शक्ति के बारे में बताएगी? क्या दर्श कभी जान पाएगा कि वो एक ब्लू रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस बन गया है? आखिर दर्श को अपनी नई शक्ति का आभास कब होगा? क्या आरुषि की गॉड गिफ्टेड डिवाइन बॉडी की ताकत भी दर्श को मिल गई थी? इस वक्त दर्श कुछ भी नहीं जानता था। दर्श ने कहा, शिवहरी कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? दर्श इस बात से अनजान था कि एग उसका शरीर छोड़कर जा चुकी थी। एग दर्श के शरीर से आजाद हो गई थी। दर्श एग को महसूस नहीं कर पा रहा था। दर्श ने कहा, आरुषि मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूं, क्या हुआ था मेरे साथ? आरुषि कहती है, तुम अभी बहुत कमजोर हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आरुषि बात को छिपाते हुए कहती है, दर्श तुम्हें आराम करना चाहिए। दर्श ने अपना सिर हाँ में धीरे से हिलाया और एक बार फिर लेट कर सो गया। क्या दर्श कभी जान पाएगा कि उसकी वर्ल्ड स्पिरिटिस एग अब उसके शरीर में नहीं है? क्या आरुषि दर्श को सब सच सच बता देगी या नहीं? क्या दर्श का ये सच उससे छुपाना सही था? आरुषि भी परेशान हो गई थी। एक तो दर्श को अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो वहीं दूसरी ओर शिवहरी दर्श की नई शक्तियों से परिचित था। क्या आरुषि शिवहरी को ढूंढ पाएगी? क्या दर्श कभी एग से मिल पाएगा? आखिर दर्श को कब पता चलेगा कि वो ब्लू रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस बन चुका है? क्या दर्श ईशा और देवी की जान बचा पाएगा? क्या ईशा और देवी से किया वादा दर्श पूरा कर पाएगा? आखिर शिवहरी कहाँ गायब हो गया था? दर्श की जिंदगी में आगे और कौन सी मुश्किलें आने वाली थी? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।